बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब खालिद रहमान साहब आपका, आपकी टीम का, के मुबारक सानी केस के हवाले से आइंदा के लाहे अमल क्या होना चाहिए मुसलमान पाकिस्तान का, और किस तरीके से हमें इन चीज़ों को डील करना है। यहाँ पे पस मंज़र में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुबारक सानी केस में जो हमारी प्रेजेंटेशन है उलमा की या मुसलमानों की प्रेजेंटेशन है, वो अपनी अपनी जमात और अपने अपने दायरे कार के तहत है। हमें कोई एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया, जिस तरह इससे पहले हमने ख़त्म नबूवत के हवाले से 1953 की तहरीक या 1974 की तारीख में एक मुश्तरका काज के तहत तमाम की तमाम जमातें मुश्तरका तौर पे किसी प्लेटफॉर्म पे जमा हों। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हर जमात इस बात को साबित करने में मसरूफ़ अमल है कि ये जो सारा काम हुआ है ये उसकी जमात का कारनामा है। इसके शवाहिद मेरे पास क्या हैं, मैं आपको सामने तीन आर्टिकल्स का हवाला दूंगा जो अभी रिसेंटली अखबार में लिखे गए हैं। कारी हनीफ जलंधरी साहब ने आर्टिकल लिखा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि ये उनकी जमात या फजलुर रहमान साहब और उनके लोगों ने ये काम किया है। चौहान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि डॉक्टर फरीद प्राचा और उनकी टीम की वजह से सारा काम हुआ है। और पीर करम शाह साहब के लगते जिगर हैं, उन्होंने भावलक साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने मुफ्ती शेर साहब को इसका सहरा ठहराया है कि मुफ्ती शेर साहब ने यह काम किया है। सब ने किया काम, जो बाहर खड़े हुए थे चौकों के ऊपर आमद उन्नास उन्होंने भी काम किया है, जो अदालत के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी काम किया है, लेकिन हर एक ने अपनी अलग अलग कैपेसिटी में काम किया, मुश्तरका कैपेसिटी में काम नहीं किया है। हमें यहाँ पे देखने की ये ज़रूरत है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आइंदा क्या हम इसी रूटीन को, जो कि मुबारक सानी केस के अंदर देखने को मिली है, इसी के मुताबिक हम इसको लेकर चलेंगे, या हमें कोई एक मुश्तरका महाज बना देना चाहिए जो कि सिर्फ़ ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करे, जैसा कि पहले 1974 में या 53 की तहरीक में हुआ। 1953 की तहरीक में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, दादा जान मेरे मुफ्ती नईमी साहब अलैह रहमा जामिया नुमानिया में तदरीस किया करते थे, तो 1953 की तहरीक में जब वो शामिल हुए तो उन्हें जामे नुमानिया में तदरीस से फारिग कर दिया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आप सियासी आलिम हैं, यानी तरीके ख़त्म नबूवत में जो काम करना है वो एक सियासी अमल ठहरा और उसके नतीजे में उनको फारिग कर दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि अदारे की बुनियाद बना, यानी जो अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़ के लिए काम किया गया उसका आउटकम मुफ्ती नईमी साहब अलैह रहमा के लिए अदारे के क़याम की सूरत में हुआ। लेकिन ये सिर्फ़ एक इनफरादी बात मैंने आपके सामने वैसे शेयर की है, असल बात यही है कि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुश्तरका तौर पे काम करने की ज़रूरत है और आइंदा भी है। हम अगर इसे डिनाई करेंगे या अपने अपने जाम में रहेंगे, जैसे बाज़ जमातों को बाज़ शिदत पसंद जमातों के साथ का जोम रहा है कि ये उनकी वजह से हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि हर एक ने अपना अपना रोल प्ले किया है, और जिस तरह एक पूरी की पूरी मशीन चलती है जिसमें गरारियाँ हैं और शाफ्ट है, तमाम चीज़ें हैं, तो हर एक पुर्जे का अपना अपना काम है। हमें बाहर से प्रेशर की भी ज़रूरत थी और अंदर प्लीड करने के लिए काबिल वकला की भी ज़रूरत थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी जो मैं समझता हूँ कि प्लीड कोई अच्छे वकला के ज़रिए नहीं हो पाया, हमें आला पाए के वकला दरकार थे। हमने इसको ना एक मज़हबी रंग देने की कोशिश की और उलमाए कराम जब पेश हुए हैं तो उन्होंने जब मज़हब के हवाले से बात की तो जज्बातियत वहाँ पे आगे साथ साथ, जिस तरीके से अभी आपने बात की है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो तमाम का तमाम कुरान और सुन्नत से हट कर दीगर अदालतों के फैसला जात की बुनियाद के ऊपर मारज वजूद में या सामने आया, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ख़त्म नबूवत के हवाले से जितने भी आइंदा भी केसेस हों वहाँ पर हमें आला पाए के वकला लाजमी तौर पे दरकार हों ताकि अच्छे तरीके से इसको प्लीट किया जा सके। और अगर अच्छे तरीके से प्लीट नहीं होगा तो मामला ज़रा
एडवर्स निकल सकता है। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जब ताहिर नकाश केस का फैसला 2023 में आया, मंसूर अली शाह साहब और दो जमाती फैसला था, उसके ऊपर इतना शोर होगा नहीं हो सका। और मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब जिनका ताल्लुक मज़हब के साथ है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो ताहिर नकाश केस पर भी इसी तरीके से शोर होगा करते जिस तरह आज मुबारक सानी केस के ऊपर हुआ है। ज़ाहिर बात है अदालतों के फैसले बड़े टेक्निकल होते हैं और उन्हें कोई टेक्निकल माइंड ही समझ पाता है और आगे बयान कर सकता है। अच्छा, इस ज़िमन में कौंसल के मेम्बरान की मुझ समेत काजी फैज़ ईसा साहब से एक मीटिंग भी हुई 3 अगस्त को। हमने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन का उनसे इजहार भी किया, जो कि इब्तदान अनडिक्लेयर मीटिंग थी, बाद में फिर उसके बारे में लोगों को पता भी चला। हमारा उसका मकसद भी यही था कि हम उन्हें बैकडोर के ज़रिए बताने की कोशिश करें कि आप किस तरीके से इस गर्दाब से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उस वक़्त वो उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल के ऊपर वो इस जो तीसरा फैसला उनका आया करेक्शन के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने इसका इजहार किया, वो उस वक़्त 3 अगस्त को उस लेवल पर नहीं थे कि वो इस बात को उस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते। इसमें एक बड़ी अहम बात जो हुई है, जो हमने देखी है फैसले के हवाले से, कि ये वफाकी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने करेक्शन रिव्यू दाखिल की अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, उसमें फिर पंजाब के एडवोकेट जनरल को भी शामिल किया गया और फिर उस तरीके से ये वफाकी गवर्नमेंट के लेवल यानी हुकूमत की सतह के ऊपर इसे इंटरटेन किया गया। एक लिहाज से इसका फ़ायदा भी है, एक लिहाज से इसका नुकसान भी है। फ़ायदा यह है कि पब्लिकली कोई भी जबात ऑन नहीं कर सकती है कि ये मेरे करने की वजह से हुआ है और हुकूमत को ऐच गया है कि जनाब ये तो हमने करवाया है। और नुकसान इसका यह है कि आइंदा अगर हुकूमतें इस तरह का काम ना कर सकें तो उनके ऊपर एतराज़ होगा। और सिर्फ इसी ही मसले में नहीं बल्कि किसी भी मसले के अंदर हुकूमत फिर इस किस्म का तरीकाकार इख्तियार कर सकती है अपनी मर्ज़ी के नतायज हासिल करने के लिए। और काजी फैज़ ईसा साहब भी मेरा ख्याल है कि हालात को भांपते हुए वो इस बात पे मजबूर हो गए कि वो इस किस्म का फ़ैसला जारी करें। अगर बाहर से प्रेशर इस तरह का ना पड़ता तो शायद वो इसमें भी पहलू तय कोशिश करते तलाश करने की। तो यूँ कह लीजिए कि बाहर का प्रेशर, पब्लिक प्रेशर और बाकी तमाम चीज़ें, ये सारी की सारी मिलकर उन्होंने इस बात पे काजी साहब को मजबूर कर दिया कि वो ये वाला फ़ैसला दें। और अभी हतमी फैसले का हमें भी इंतज़ार है। चौथी चीज़ ये है कि काजी साहब ने इसे अपनी अना का मसला नहीं बनाया और कैटेगोरिकली इसका इजहार भी किया कि हम इसे अना का मसला नहीं बनाते हैं। वरना मुझे बताइए कौन सा चीफ जस्टिस ऐसा है जो कि अपने किए हुए फैसले को इस तरीके से तीसरी दफ़ा में जाके और इतनी जब उस पर तनकीद हुई है तो वो शद्दोमत के बाद फिर उसको वापस ले। ये बात हमें बहरहाल किसी भी लेवल के ऊपर अगर हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है तो देखना भी इसको हमें चाहिए, चाहे इसके ज़रिए से उन्होंने अपने मुस्तबिल के किसी अंदोनक मामले को महफूज करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। हमें जज्बाती तौर पे काम करने की बजाय इल्मी बुनियादों पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और जज्बाती नारे वक्त ही हैं जो कि फ़ज़ा में उड़ जाते हैं, असल चीज़ वो है जो कि लिखे होने की सूरत में मौजूद रहती है। और जितने भी पिछले फैसले और उनके ऊपर जितने भी तबसरे हैं वो सारे के सारे जो कि इस्लामी नुक्ते की तरफ से अपने आप को पेश कर रहे थे, उनके लिए पिछले तमाम के तमाम फैसले वो मिसाल बने, नज़ीर बने। यहाँ पे ये बात भी बड़ी अहम है कि जो 2016 की ह्यूमन कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी हम सामने रखें, जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि खत तुहीने मजाहिब के कवानीन में अब असम्बलियों की तरफ से तरमीम मुमकिन नहीं है। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा वफेला मचेगा पूरे मुल्क के अंदर। तो उसको अल्टरनेट तरीके से किस तरीके से डिफ्यूज़ किया जाए, वो तरीका यही है जो कि बाकायदा तौर पे उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि आप जब अदालत में होने वाले फ़ैसले हैं तो वहाँ पे उन्हें फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए।
तो इन मज़ाहिब के केसेस के अंदर जो भी मुलजमान हैं अदालतों अदालती फैसलों की बुनियाद के ऊपर उन्हें आप रिलीफ देने की कोशिश करें, और जब किसी एक को रिलीफ मिलेगा तो अगली दफ़ा उसी केस को फैसला बना के नज़ीर बना के अगली दफ़ा ज़्यादा रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी, जो हमने मुबारक सानी केस में होता हुआ देखा कि पिछले फैसलों की एक एक लाइन मुख्तलिफ पैराग्राफ से अखज़ करके उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी की गई, जो कि आपने भी बयान की कि पैराग्राफ नंबर 25 से लेकर 35 तक वो पूरी इमारत खड़ी की गई अपने 42 पैराग्राफ के आखिरी ताहम के बाद वाली जो लाइन है उसको तकवीत देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। कौंसिल में हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया और उन पूरे के पूरे पैराग्राफ को अपनी उस रिपोर्ट में जो हमने तैयार की है हमने नकल किया कि इस पूरे पैराग्राफ का स्याको सबाक यह बनता है, और उस नतीजे में जो फाजिल अदालत ने नुक्ता अखज़ करने की कोशिश की वो नुक्ता नहीं बनता है, असल में बात यह है। तो वो जो पिछले फैसलों के अंदर वो एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ जुमले हैं, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे कोई बंदा ये कहे कि जी कुरान ने कहा नमाज़ ना पढ़ो, वाला तक अब सलात के जैद कहते हैं जी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो आगे नहीं देख रहा कि आगे क्या लिखा हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से वो एक एक लाइन की जो इबारतें हैं उन्हें मिसलीड करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये फिर 42 पैराग्राफ को इस्टेब्लिश किया गया है। तो हमें इसको भी बहुत कैटेगरी देखने की ज़रूरत है। और फिर जो ताहिर नकाश वाला केस है, बहरहाल वो हम सब के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनता है कि जिस वक्त वो फ़ैसला हुआ है हम इतने उसके ऊपर मुतवज्जे क्यों नहीं हो पाए, या अगर कहीं पर कोई बात ऐसी हुई थी तो जिन्हें पता था वो लोगों को तवज्जो दिलाने के अंदर कामयाब क्यों नहीं हो पाए, ताकि आइंदा इस किस्म के होने वाले फ़ैसलों को हम अपने सामने रख सकें कि पीछे इस तरह का फ़ैसला एक हो चुका तो आइंदा इस किस्म का कोई फ़ैसला होने ना पाए, कि कोई बेखबरी के अंदर बड़ा हाथ ना कर जाए हमारे साथ। चंद गुजारिशात थी इस हवाले से जो मैंने आपके सामने पेश की।